राजी नहीं हुआ। लेकिन आज मेरे सामने बात पत्रकार ने पूछा, पार्टी ऑफिस लखनऊ बैठे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विजयलाल जी बताओ तो तुम्हारा भाई चला गया, तुम कहाँ हो? हमने कहा भाई चला गया, चला जाए उसकी मर्जी है, मैं अपने मर्जी से जीता हूँ अपनी जिंदगी, वो तो भाई है। अगर मेरा बेटा भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ लड़ेगा तो विजयलाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहेगा। ये मामला राजनीतिक है और वही में तुरंत चरमराई का व्यवस्था, ये व्यवस्था के देख के एक लाइन बता दूं तुम्हें, बड़ा दो तरफ कोर का सारा वही नहीं है संता। मंदिर जी आप उत्तर प्रदेश में कोर का सारा वही नहीं है संता, अब तो बचा चौ जो रेलवे में टी जी बाबू के पद पर कार्यरत है, किसी चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई, बड़ा जी गरारा करी पुरंका आंकड़ा नहीं बताओ गृह मंत्री जी। अरे बाप रे बाप, हम खुद गिरा गल भैया, झूठ ना बोला मंच पर गिरा गल जब नदी एक दिन पहलवान बाबू हमारे कोनिया में 14 लाश एकदम बिल्कुल हमारे बगल से 14 लाश एक दिन कोनिया में निकलल। हमारे तबियत खराब, हमारे भतीजा की तबियत खराब, ऊपर क्वारंटाइन रहल, हम नीचे क्वारंटाइन रहे, खाना बनाओ वाली जो रहल वो छोड़ के भाग गई, कोरोना हबल अब हमर जा एते डरेबर है में सुतल ह इहो सरवा छोड़ के भाग गल मल हॉस्पिटल जे केसर स्थिति इहो हॉस्पिटल ले जाएला स्थिति ना रह। आदमी मरल हमें तो उठ के अली एक घंटा के अंदर चौदह आदमी, तो भतीजवा से अपने पूछ ले कि करे मजा देखा रे यह पूछ ली अशोक भैया हमें करे संदीप हाँ चाचा करे साला मर जल्दी घमनो का है अब यहाँ हलगल तो ले कभी टेलीफोन पे मैं घरे से आ गए दिनेश लखनऊ से वो क्वारंटाइन घर देखला की स्थिति वो पड़ दे फोन कर कहला पहले तू घर आवा तो हम वहां गए घोड़ा वाला दौड़ा के क्रिकेट लेके हम खेला लगली और 16 बरस का हो गई मन के हमेशा डाइट रखा कंट्रोल रखा मन खत्म तो सब खत्म मन इका है बहुत भारी है एक एक खत्म मन होकर जाए में का हौसला जो हम मरे मत दिया उम्र पे आवे ले जाले अब तेरे मास्टर तो देखा।